दुआ जहरा केस में अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए दुआ जहरा को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। आज होने वाली समाअत में पुलिस की जानिब से शौहर मुलजिम जहीर को भी अदालत में पेश किया गया। दुआ जहरा बाजियाबी केस की समाअत के दौरान कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के शौहर जहीर को पुलिस ने सिंधाई कोर्ट में 21 जुलाई बरोज जुमेरात की सुबह पेश किया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें फैसला महफूज किया गया। अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए दुआ जहरा को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। अदालती फैसले में कहा गया है कि दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं, बज़ाहिर दुआ शौहर के साथ भी नाखुश हैं और साथ रहना नहीं चाहती। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि दुआ वालदेन से भी खौफजदा हैं, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। केस के मरकजी किरदार दुआ जहरा की कराची में मौजूदगी ज़रूरी है। केस कराची की ट्रायल कोर्ट में जेरे इल्तवा है। जुर्म कराची में हुआ है तो केस की समाअत भी कराची में होगी। केस इसी शहर में जेरे इल्तवा है, कराची में भी शेल्टर होम है, कराची में भी लड़की को कोई ख़तरा नहीं होगा। कराची के शेल्टर होम में भी हिफाजती इंतजाम होंगे, इसलिए केस कराची में है तो लड़की को भी कराची लाना होगा, जबकि लड़की के वालदैन भी कराची में रहते हैं।